तो फिर यहां तो अनेकों सूर्य के बराबर भगवान का भामंडल है, तो फिर आंखों की क्या अवस्था होती होगी वहां पर। तो उसका समाधान भक्तावर के भामंडल वाले काव्य में, 34वां काव्य है ना भक्तावर में, शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभूस्ते, हे विभो आपके देदीप्यमान प्रभा मंडल की भारी विभा अर्थात बड़ी भारी आभा, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, तीनों लोक के प्रकाशमान पदार्थों की कांति को लज्जित करती है। अर्थात सारे प्रकाशमान पदार्थ भगवान के आभा मंडल के आभा के समक्ष शर्मिंदा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। और कैसी है वो आभा? प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, उगते हुए अंतराल रहित भारी संख्या में अगर सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाए तो वैसी उस आभा मंडल की दीप्त्या दीप्ति है। तो दीप्ति की अपेक्षा से इतने सूर्यों के बराबर हैं, लेकिन सोम सौम्याम निशामपि जयति, जो चंद्रमा से सुहावनी रात है, चंद्रमा के कारण जो रात एकदम सुहावनी लग रही है, पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात विशेष होती है, तो भगवान के आभा मंडल की आभा भले ही सूर्यों के समान तेजस्वी हो, लेकिन दर्शकों को चंद्रमा किस चंद्रमा से जो उपस्थित सुहावनी रात होती है, वैसे सोम सौम्या चंद्रमा जैसी सौम्य दीप्ति रहती है, उसकी कांति रहती है। तो ये एक विरोधाभास है कि तेजस्वी होकर के भी सौम्य कैसे, अगर सौम्य आभा है तो वो तेजस्वी नहीं हो सकती, और तेजस्वी है तो सौम्य हो नहीं हो सकती। लेकिन समाधान ये है कि सूर्य के आभा से आंखों को कष्ट होता है, लेकिन भगवान के आभा से भाव भाव का कष्ट नष्ट होता है। और भगवान का प्रभाव है, भगवान के पास कष्ट नष्ट होते हैं, कष्ट उत्पन्न कैसे हो सकते हैं? जो कष्ट विनाशक है वो कष्टोत्पादक कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान की आभा भले ही हजारों सूर्यों के बराबर हो, लेकिन आंखों को पीड़ित नहीं करती। और सात भाव भी दिखते हैं भगवान की आभा में, ये भी एक विशेष बात है। अब जैसे